सो हाई गाइज, माई नेम इज स्नेहल एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पंजाब की मिट्टी के बारे में। जैसे गाइज आप देख सकते हो, पन्नी में पंजाब की बिस्कुट है, जो कि ये देखिए, इसे पंजाब की बिस्कुट कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे कि कितनी ज़्यादा क्रंची होती है और कितना ज़्यादा इसका टेस्ट होता है, क्योंकि इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो में क्रंच किया हूँ, लेकिन इसके बारे में आपको डिटेल्स में कभी बताया नहीं। तो ये देख सकते हो इस तरीके की होती है पंजाब की मिट्टी, और मेरे हाथ देखिए कैसे लाल आ चुके हैं। तो इसे हम प्लेट में रख देते हैं, तो इसकी आवाज़ सुन लें। तो ये पंजाब की मिट्टी की आवाज़ है, ये देखिए। और आप में से बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि पंजाब की मिट्टी के ऊपर वीडियोस बनाओ, लेकिन गाइस उस समय मेरे पास स्टॉक नहीं था। तो अभी फिलहाल स्टॉक है, तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक रिव्यू दे ही दिया जाए। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है पंजाब की मिट्टी, और ये काफ़ी सारे लोगों को पसंद होती है, और काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि पंजाब की मिट्टी कैसी होती है। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूँ गाइस कि ये पंजाब की मिट्टी है, ये हर जगह नहीं मिलती आपको। जैसे कि मैं रहता हूँ नागपुर में, तो हमारे इधर इसे पंजाब की मिट्टी ऐसा कुछ यानी किसी को पता ही नहीं होता। जैसे कि हर जगह आप सभी को पता है, स्लेट पेंसिल बचपन में हमको स्लेट के साथ मिलती थी, तो हमको उसके बारे में पता होता है, पर ये जो मिट्टी है इसके बारे में कभी पता होता ही नहीं। और जैसे कि कुछ कुछ ऐसी राज्य है जहाँ इसका चलन बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत सारे लड़के इसे खाने में पसंद भी करती है, और हमारे इधर तो इतना ज़्यादा कुछ क्रेज़ है नहीं। और मुझे भी आप में से ही बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, तो तब जाके पता चला कि पंजाब की मिट्टी भी क्रंच किया जाता है करके। तो फाइनली आप देख सकते हो मेरे हाथ में पंजाब की मिट्टी है, और इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दूँ गाइस कि आप में से यानी बहुत सारे लोग अलग अलग राज्य से होंगे। जैसे कि मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ, कोई पंजाब से होंगे, कोई गुजरात से होंगे, कोई MP से होंगा। सो ये हर जगह उतनी फेमस तो नहीं है, पर काफ़ी सारे लोगों को पता है पंजाब की मिट्टी के बारे में। तो चलिए इसके बारे में आपको बता दो गाइस कि ये जो मिट्टी है गाइस, ये है लाल कलर की मिट्टी, और हर जगह की अलग अलग मिट्टी होती है, और इसे लड़कियां बहुत खाने में पसंद करती है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ गाइस कि इसे भी मैंने एक बार क्रंच किया था, देन इसका टेस्ट यानी टेस्ट तो मिट्टी जैसी ही है, टेस्ट तो अच्छा ही है। तो इसके बारे में थोड़ी मैं आपको नेगेटिव बता देता हूँ। जैसे गाइस हम इसे क्रंच करते हैं, तो क्रंच जब करते हैं तो जो बारीक बारीक रेती जैसा जो लगता है ना, जैसे कि आप राजस्थान में गए होंगे, गोवा हुआ में कभी गए होंगे, हम बीच के किनारे कभी बैठते हैं तो हमें कैसा हो, थोड़ा रेती रेती थोड़ा खाने में आ जाता है। तो सेम वैसी रेती रेती इसमें बारीक बारीक लगता है, क्योंकि इसे मैंने खुद ने ट्राई किया। जैसे स्लेट पेंसिल, मैं आपको बता दूँ गाइस कि ये देखिए मेरे पास स्लेट पेंसिल भी है। जैसे स्लेट पेंसिल होती है, अपन जब इसे हम क्रंच करते हैं, तो ये पूरा का पूरा हमें पाउडर जैसे यानी चबा चबा के हम उसे पूरा पाउडर कर देते हैं। सो गाइस ये चीज़ उतना ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि इसे मैंने क्रंच किया हूँ, और हमारे इधर जो जैसी मिट्टी मिलती है जिससे मटका गुल्लक बनाया जाता है, तो उसे मैंने क्रंच किया हो, तो उसमें भी मुझे वैसा ही लगा, और ये भी मिट्टी में ऐसा ही लगा। जब मैंने पहली बार गुल्लक क्रंच किया था, तो मैंने आप सभी को कहा था कि ये चीज़ में हल्की हल्की रहती है, इसे ईट मत किया कीजिए। तो मैंने सोचा कि यार पंजाब की मिट्टी कुछ अलग तरीके की होंगी, हम उसे क्रंच करेंगे तो पूरी मिट्टी बन जाएंगी, ऐसा कुछ मुझे लगा। तो मैंने वही सोच की इसे अमेजोन से ऑर्डर किया और मंगवा लिया, और जब इसे क्रंच किया तो मैंने देखा कि यार वहाँ की मिट्टी और यहाँ की मिट्टी सेम है, थोड़ा टेस्ट अलग है, पर जो क्रंच में है जो बारीक बारीक रेती का स्वाद आता है, आपको बताया था कि दांतों में लगता है, तो सेम वैसा मेरे को यहाँ पर लगा है। तो यही चीज़ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ गाइस कि स्लेट पेंसिल और मिट्टी में बहुत ही ज़्यादा फर्क है। इसमें रेती रेती जैसे बारीक सा लगता है, हम इसे क्रंच करते हैं तो माना कि इसे हम पानी डालेंगे तो इसकी जो खुशबू होती है, क्योंकि मिट्टी की खुशबू बहुत ही ऑसम होती है गाइस, तो मिट्टी की खुशबू जैसी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, ऐसी इच्छा होती है कि हम इसे खा जाए, पर प्लीज़ इसे मत खाया कीजिए, क्योंकि यह हर किसी की बात नहीं है गाइस पजाना, जो लोग खाते हैं कैसी खाते हैं मुझे नहीं पता, उनको गुल्लक पसंद है बोलते, आप मुझे आवाज़ देख के बताइए। ये देखिए इसकी आवाज़ मैं आपको सुना रहा हूँ। सो ये क्या आपको खाने की चीज़ लगती है, आप सही में गाइस मन से बताइए। इसे हम क्रंच करते हैं, जब रेती जैसी हमारे मुँह में हमको लगता है तो हम उसे पेट तक लेके जाते हैं, तो सोचिए कि आपके शरीर में किसी जगह ये चीज़ फंस गई तो वहाँ से क्या प्रॉब्लम हो सकती है।
स्लेट पेंसिल हम ट्रंक करते हैं मुंह में पाउडर जैसा लगता है, तो उसके बारे में हम, वो भी हार्मफुल है पर उसके बारे में हम थोड़ा बहुत तो रिक्स ले ही लेते हैं, तो इसके बारे में हम सोच समझ के, यानी सोच समझ के रिक्स ले ही क्यों। मैं आपको सीधी सी बात बता दो गाइस कि ये चीज़ अगर आप खाते हो तो मत खाइए, बहुत सारे लोगों को पसंद है उनको खाने दीजिए पर आप इसे इग्नोर कीजिए, क्योंकि इसकी खुशबू अच्छी है पर खाने में वैसी ही है और बहुत सारे लोगों को पसंद है। तो देखिए गाइस आपकी इच्छा, मेरा काम है इसका रिव्यू देना, मैंने आपको रिव्यू दे दिया और मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उसमें अच्छी खास क्वान्टिटी में क्रंच कर चुका हूँ। तो उम्मीद है गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी, अगर वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये जो पंजाब की मिट्टी है इसके बारे में आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या कमेंट होगा तो मुझे कमेंट लिस्ट में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।